हमने बार बार ये कहा कि जो एसआईटी की जो टीम गठित हुई उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पे काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक काम नहीं करा तो ही उसको बेल मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में कोर्ट में सरेंडर करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी की घटना की मॉनिटरिंग शुरू से ही कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने बार बार ये कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर काम हो, लेकिन यूपी सरकार सही से काम नहीं कर रही। आशीष मिश्रा को इसीलिए जमानत मिल गई थी। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट शुरू से इसका संज्ञान ले रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे केस को, लखीमपुर खीरी घटना को शुरू से ही मॉनिटरिंग कर रहा है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई और हमने बार बार ये कहा कि जो एसआईटी की जो टीम गठित हुई उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पे काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक काम नहीं करा तो ही उसको बेल मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी, उस जमानत को खारिज किया और एक हफ्ते में दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने की बात करी। फिर वहाँ बात करिए, क्या जो शहीद किसान हुए वहाँ लखीमपुर खीरी में, तो उनकी कुछ उनको न्याय मिलता? बिल्कुल, न्याय की उम्मीद है। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है कि कोर्ट इसमें न्याय करेगा और जिस तरह से उसको संज्ञान ले रहा है इस केस को शुरू से ही, उसमें न्याय की उम्मीद है। और हम भी 25 तारीख में लखनऊ जा, वहाँ लखीमपुर जा रहे हैं और लखीमपुर में पूरी इसकी कमेटी एक बनाएंगे जो इस पूरे मामले को देखेगी। ठीक है सर, जैसे लखीमपुर में घटना हुई थी जो किसानों को रोंदा गया था, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? देखो, तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट क्या उसको देता है तो पूर्ण रूप से कोर्ट का मैटर है। आप लोगों ने कुछ सोचा है इस तरह की? नहीं, हमारा सोचने का कुछ नहीं, तो जो भी होगा सजा देने का वो पूर्ण रूप से किस तरह का अपराध है उसी तरह की सजाएं दी जाती है। याद दिला दे कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मारपीट की घटना भी हुई जिसमें बीजेपी से जुड़े 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस पूरी घटना में एक पत्रकार की भी जान चली गई। आरोप था कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से रौंदा था। इस आरोप में वो लंबे समय जेल में भी रहे और बाद में आशीष को जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है और फिर से सरेंडर करने को कहा है। मुजफ्फरनगर, संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।